अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद मुतीबुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले रमज़ान मुबारक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज रमज़ान शरीफ का पहला जुमातुल मुबारक है, तो आज हम जा रहे हैं ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी चिश्तियाँ शरीफ वाले, उनका आपको दरबार विज़िट करवाते हैं और जुमा भी इंशाल्लाह उधर ही अदा करेंगे और आपको उनकी हिस्ट्री बताते हैं। ये बड़े सगीर के बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, उधर हम जाके मुलाकात भी करेंगे, कोई उधर उनका खिदमत गुजार हुआ उसके साथ, और आपको सारी डिटेल और हिस्ट्री बताते हैं। तो चलते हैं सफ़र की तरफ और आपको रास्ते में रोड की छलकियाँ भी दिखाते हैं। ये दोस्तों, हम आ गए हैं, पार्किंग में लगा दी है गाड़ी, अभी लोग आना शुरू हो गए हैं जुमा के लिए। ये हमारी गाड़ी लगी हुई है, तो चलते हैं अब दरबार शरीफ की तरफ, आपको विज़िट करवाते हैं। तो दोस्तों, ये जो है मज़ार शरीफ की तरफ जा रहा है, मेन बाज़ार है। इधर आप नजराने वगैरह ले सकते हैं उधर दरबार शरीफ के लिए। ये देखें, स्टॉल लगाए हुए हैं लोगों ने। तो अभी हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं, जुमे का इधर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो चलते हैं आगे मज़ार शरीफ की तरफ, आपको दिखाते हैं। तो ये देखें, ये फूलों के इधर स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, अगर आपने लेके जाना है। इसके अलावा अंगूठियां चांदी की और नग वगैरह जो हैं वो भी ले सकते हैं। तो ये इन्होंने इधर बैरियर लगाया हुआ है, ये हम क्रॉस करके आगे आ चुके हैं। और ये आपको मज़ार शरीफ और मदरसा साथ ही बना हुआ है, मस्जिद ये आपको बाहर से दिखा रहे हैं। इधर हमने अपने शूज़ जो हैं रख दिए हैं, वापसी पे हम पिक कर लेंगे। और जनाब, ये देखें, हम अंदर इंटर हो रहे हैं, सिक्योरिटी का बहुत अच्छा निज़ाम है। ये देखें, पुलिस एहलकार तैनात हैं इधर, तो ये हम मशीन के अंदर से गुज़र रहे हैं। तो ये माशाल्लाह देखें, बहुत बड़ा सहन है, आपके सामने ही है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये इधर मतलब नमाजियों के लिए वज़ू करने की जगह है, और ये साथ ही लाइब्रेरी है। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज जुमा अदा कर ली है और हम अब इधर मज़ार शरीफ की तरफ आ गए हैं, ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी शरीफ का जो मज़ार है। तो इधर आपके सामने ही है रश, ये आप देखें कि कितने लोग हैं इधर ज़्यारत के लिए, फातिहा खानी दुआ के लिए, ये देखें लाइन में लगे हुए हैं। तो अभी हम ज़रा साइड पर खड़े हैं क्योंकि लोग सुनते वगैरह अदा कर रहे हैं, तो जैसे ही रश कम होता है हम फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, ये सलातो सलाम हो गया है मुकम्मल और ये हम लाइन में लग गए हैं। रश आपके सामने है, सारी सूरत हाल भी आपके सामने है। तो लोग दूर दूर से आते हैं इधर, तो ये बड़ी मुश्किल से हम अंदर इंटर हो रहे हैं। तो आपको ये थोड़ा सा अंदर का व्यू दिखाते हैं जहाँ उनकी कब्र मुबारक है। तो बाकी ज़्यादा वीडियो नहीं इधर हम बना सकेंगे। ये देखें माशाल्लाह, तो ये सामने उनकी कब्र मुबारक है। तो ये हल्की सी ज़्यारत आप देखिए, ये सहन है और इधर कवाली हो रही है, हम आपको भी दिखाते हैं।
गाइस ये हम खड़े हैं सेहन में, वो सामने से इंट्रेंस है, इधर हमने नमाज जुमा अदा की है और इधर दरबार शरीफ है, वो सामने कवाली हो रही है, तो पीछे भी कब्रें हैं और दरवाज़े के साथ ही इधर अल नूर लाइब्रेरी है, इस्लामी किताबें, अगर कोई मसला मसाइल आपने पूछना है तो उधर बैठे हैं लाइब्रेरियन, आप वो भी पूछ सकते हैं। और वो सामने गुसल खाना, और ये इधर पीछे भी सात दरबार हैं, ये देखें एक ये दरबार बना हुआ है और वो सामने भी दरबार हैं छोटे छोटे। मेन जो है ख्वाजा साहब का दरबार वो ये है सामने, ये सारा सेहन का आलम है, बहुत ज़्यादा रश है इधर रमज़ान करीम की वजह से लोग ज़्यारतों के लिए। ये पीछे जो कब्रिस्तान है वो काफ़ी पुराना है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुमा भी अदा कर लिया है हमने और मज़ार शरीफ पे हाज़री भी दे दी है, ज़्यारत भी कर ली है, तो हम वापसी चलते हैं। बड़ी देर से मैं ट्राई कर रहा था कि मैं इधर आऊँ और आप लोगों से भी ये वीडियो बना के शेयर करूँ, उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।